हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज, आप सब के बीच। देखिए, आज हम जो भी स्टूडेंट मौलाना मजहरुल हक अरबी एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना से बीएड कर रहे होंगे, जिनका सेशन क्या होगा 19 से 21 और 20 से 22, देखिए उनका हम वीवीआई क्वेश्चन जो 2021 में एग्जाम होगा उसका हम कोर्स टू का वीवीआई क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखिए, इससे पहले हम कोर्स वन का वीवीआई क्वेश्चन करा चुके हैं और कोर्स 1, 2, 3 ये तीन पेपर का हम आपका 2016, 2017, 2018, 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। जो नहीं देखे हुए वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, समझे। देखिए, अब कोर्स टू का आपका गेस बताते हैं, कोर्स वन का बता चुके हैं कोर्स टू का, और जल्दी ही आपका कोर्स 3, 4, 5, 6 और 7 तक बता देंगे, समझे। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है वीवीआई क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर 2021 सेशन 19 से 21 और 20 से 22, यानी दोनों ग्रह का फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है। मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना, कोर्स टू का नाम आपका है कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन। देखिए, इसमें आपका 10 क्वेश्चन आता है, यानी अथवा अथवा करके देखकर 10 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से एक का जवाब देना रहता है, यानी 5 का जवाब देना रहा, मतलब 5 का जवाब देना रहता है, 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 का जवाब देना रहेगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला यूनिट में याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका एकदम फिक्स ही आएगा। देखिए, एकदम जो बता रहे हैं एकदम दिमाग में रखिएगा, एकदम फिक्स ही आपका शिक्षा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है, आपका जो क्वेश्चन 1 आता है, समझे। तो देखिए, अब की बार आएगा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों की विवेचना करें, समझे। तो इसको देख लीजिएगा, इसका वीडियो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, एजुकेशन कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, समझे। तो वही कराए कि व्हाट इज एजुकेशन, डिस्क्राइब द इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन, हम पढ़ ही लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। तो वीडियो देख लीजिएगा शिक्षा वाला, तो आपका सब उसमें जो प्लेलिस्ट में वीडियो डाले हैं शिक्षा से रिलेटेड, उसमें आप पढ़ लीजिएगा पूरा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछेगा तो आप बना दीजिएगा, समझे। तो शिक्षा क्या है, वही क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों की विवेचना करें। दूसरा आपका क्वेश्चन देखिए, अथवा में 2 क्वेश्चन रहता है, दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा को परिभाषित करें उदाहरण सहित विभिन्न स्वरूपों की, देखिए स्वरूप मतलब होता है कौन कौन रूप में हम शिक्षा दे सकते हैं, समझे। देखिए, तो आपका क्वेश्चन है कि डिफाइन एजुकेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल द डिफरेंट मोड ऑफ एजुकेशन, यानी कह रहा है कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या करें। अब देखिए, ये यूनिट आपका मतलब यूनिट इसमें नहीं देता है, समझे, लेकिन ये आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया, अथवा करके पूछता है, यानी यूनिट समझिए। देखिए, दूसरा यूनिट में आपका, यूनिट बोलिए या क्वेश्चन बोलिए, दूसरा में आपका कोठारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, समझे। देखिए, क्वेश्चन आएगा कोठारी आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग 1964-86 के मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें, या क्वेश्चन ऐसे भी रहे कोठारी आयोग रहे या कोठारी आयोग के विभिन्न सुझाव या सुझाव क्या थे, तो कोई भी कोठारी आयोग से रिलेटेड रहे या आपका, तो इसका वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा, समझे। इंग्लिश भी लिखा है कि डिस्क्राइब द साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-86। देखिए, अथवा में वो क्वेश्चन आएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, इसीलिए हम 3 टाइप दिए हैं क्वेश्चन का, इसीलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपका रहेगा कि शिक्षा से संबंधित संवैधानिक मूल्यों पर प्रकाश डाले, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसी में अथवा का मतलब ऐसे भी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि शिक्षा को बढ़ावा देने में स्वतंत्रता, न्याय और समानता के संवैधानिक वादों को समझाए, या इसी को ऐसे ही पूछ सकता है कि समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व तथा सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान है विवेचना करें। देखिए, मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षा संबंधी संवैधानिक मूल्य पर प्रकाश डाले, या शिक्षा को बढ़ावा देने में स्वतंत्रता, न्याय और समानता के संवैधानिक वादों को समझाए, या क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व तथा सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान है। इसका इंग्लिश भी लिखा है, पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि व्हाट आर द प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस, सर्कुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस। आइए, इसमें इधर 2 क्वेश्चन हो गया, 2 तो रहता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा में क्वेश्चन दे दिए, इसको भी देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा नहीं आप पढ़ लीजिएगा इसको, कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, आर्थिक विकास एवं शिक्षा, यानी आर्थिक विकास में शिक्षा कैसे योगदान देता है, यानी कोई मतलब आर्थिक इकोनॉमिक्स। देखिए, एक और चीज़ बताते हैं, देखिए अमेरिका का इकोनॉमिक्स इतना डेवलपमेंट क्यों है, भारत का नहीं, इसके पीछे ही बहुत बड़ा कारण है। देखिए, शिक्षा यहाँ का मतलब
उस लायक नहीं है जिससे यहाँ पर मतलब यहाँ का इकोनॉमिक विकास हो सके, समझे। इसीलिए नई शिक्षा नीति जो 2020 में आपका आने वाला है, अभी आया नहीं, 22 में लागू हो जाएगा, उसमें यही सब चीज़ें कि बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है वैसा ही शिक्षा उसको दिया जाए कि उसका मतलब अच्छा उसके। तो इसीलिए कह रहा है कि आर्थिक विकास एवं शिक्षा, यानी शिक्षा आर्थिक विकास में कैसे मदद करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन और शिक्षा, यानी शिक्षा कैसे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन ले आता है, समझे। मतलब समाज में कोई आपका अथि रहेगा तो शिक्षा उसको क्या करता है, दूर करता है, यानी कोई गलत अथि चल रहा है तो उसको क्या करता है कि दूर करता है, ये सब चीज़ है। तो वही क्वेश्चन समझ देगा, क्वेश्चन आप समझ जाएगा ना तो उसका आंसर आप आराम से लिख सकते। देखिए यहाँ मेन दिक्कत होता है बीएड में, आदमी क्वेश्चन ही नहीं समझता है। देखिए क्वेश्चन देखिए आर्थिक विकास और शिक्षा है, तो यहाँ समझिए क्या है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि शिक्षा आर्थिक विकास में कैसे मदद करता है, आराम से लिख सकते हैं। या कह देगा किसी देश के आर्थिक विकास में शिक्षा कैसे मदद करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे, तो लिख सकते हैं। दूसरा है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन और शिक्षा, यानी कह रहा है कि शिक्षा सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी कोई चीज़ मान लीजिए ऐसा कोई सामाजिक आपका अथी है, चले वर्षों से चलते आ रहा है कोई परंपरा है, उसको क्या करता है शिक्षा दूर करता है। तो वही कह रहा है कि शिक्षा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन और शिक्षा। फिर आपका इसमें सी दिए हैं कि एक स्वस्थ प्रजातंत्र के नींव के लिए नागरिकों की अच्छी, देखिए आपका देश का जिस देश की मतलब शिक्षा व्यवस्था अच्छा रहता है ना, वहाँ पर क्या होता है स्वस्थ यानी प्रजातंत्र या लोकतंत्र रहता है, समझे। तो वही सी नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ प्रजातंत्र के नींव के लिए नागरिकों की अच्छी शिक्षा। फिर आपका देखिए अब तीसरा जो यूनिट बोलिए या तीसरा क्वेश्चन बोलिए, इसमें आपका क्वेश्चन आदर्शवाद या प्राकृतिक, देखिए आपका प्रयोजनवाद पूछा हुआ था आपके 2021 के एग्जाम में, समझे। तो देखिए कोई भी वाद पूछे, समझे, इसका वीडियो सबका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए कोई भी वाद पूछे उसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है जिसको याद करके जाइएगा, क्योंकि देखिए सब आपका प्रकृतिवाद हो, आदर्शवाद है, प्रयोजन सब में उसका शैक्षिक उद्देश्य, उसके शिक्षा उसके अनुसार कैसा है, उसके अनुसार शिक्षण विधि क्या है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम क्या है, उसके अनुसार स्कूल है, छात्र शिक्षक कैसे, सब में वही चीज़। तो कुछ कुछ आप याद कर लीजिएगा ना, उसके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो आपका मतलब आराम से लिखा जाएगा। थोड़ा आप पढ़िएगा, समझे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से लिख सकते हैं, समझे। तो देखिए इसका वाद का चार को वाद पढ़ना है, तो देखिए चारों को वाद का वीडियो डाल दिए, लेकिन आप आदर्शवाद और प्रकृतिवाद को ध्यान से देख लीजिएगा। यही आपका प्रकृतिवाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आदर्शवाद भी देख लीजिएगा, समझे। तो वही कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म, हाउ इज इट रिलेटेड, आदर्शवाद प्रकृतिवाद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, समझे, तो उसको आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन घुमा के ही पूछता है, लेकिन आपको क्वेश्चन कितना घुमाए वहाँ शब्द मिले प्रकृतिवाद या आदर्शवाद तो समझिएगा हमको वही आंसर लिखना है। अब देखिए अथवा में आपका क्वेश्चन, देखिए एक तो यूनिट जो थ्री होता है या तीसरा क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है उसमें देखिए एक क्वेश्चन आपका रहता है आपका वाद से, यानी प्रकृतिवाद पूछे, आदर्शवाद पूछे या मानववाद ये सब या प्रयोजनवाद पूछे, समझे। और दूसरा क्वेश्चन आता है दर्शन, उससे एकदम फिक्स आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। तो क्वेश्चन आपका दिए हैं अठवा में कि दर्शन को परिभाषित करते, दर्शन एवं शिक्षा एक दूसरे से कैसे संबंधित है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि दर्शन को परिभाषित करें, दर्शन शैक्षिक समस्या और मुद्दे को हल करने में कैसे मदद करता है, समझे। इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, समझे। तो ये आपका हो गया, इसका इंग्लिश पर इंग्लिश देख लीजिए कि डिफाइन फिलोसफी, हाउ डज फिलोसफी हेल्प इन सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम एंड इशू। अब आइए कोर्स जो यूनिट फोर जो होता है या चौथा क्वेश्चन बोलिए, इसमें आपका थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एक पूछा जाएगा आपका भारतीय थिंकर और एक अथवा में देगा आपका विदेशी, समझे। तो एक ईस्टर्न देता है, एक वेस्टर्न देता है, यानी ईस्टर्न कहने का मतलब इंडियन देता है और वेस्टर्न कहने का मतलब पश्चिमी देता है, यानी विदेश का देता है। देखिए तो इसमें हम दिए हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता की विवेचना करें, यानी डिस्क्राइब द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशनल आइडियाज ऑफ आर्यन टैगोर, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। देखिए आपका कोई भी इसी में भी देखिए, इसमें भी कोई आपका थिंकर पूछे तो सब में वही होता है, इसके अनुसार शिक्षण विधि क्या है ये सब चीज़ है, लेकिन आपको खाली डेट ऑफ बर्थ ये सब लिखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, समझे। सब में वही चीज़ है, समझे, शिक्षण उद्देश्य, फिर उसके इसके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा, उनके अनुसार शिक्षण विधि क्या, ये सब चीज़ है, समझे। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं, कोई भी पूछे, समझे, तो उसका डेट ऑफ बर्थ सिर्फ याद रखिएगा, उसके आधार पर आप लिख सकते हैं, समझे। और देखिए विदेशी में अथवा में हम दिए जॉन डीवी या रूसो के शैक्षिक विचारों की विवेचना करें, या डिस्कस द एजुकेशनल थॉट ऑफ जॉन डीवी या रूसो, समझे। तो ये आप कर लीजिएगा। आइए यूनिट फाइव में आपका है या क्वेश्चन फाइव बोलिए, देखिए इसमें क्वेश्चन आपका रहेगा कि शैक्षिक अवसरों की समानता या शैक्षिक समानता से क्या अर्थ है, लड़कियों को किस प्रकार शिक्षा का समान अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। तो वही कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई
इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी हाउ कैन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन बी प्रोवाइडेड टू बी गर्ल। देखिए कहने का मतलब क्वेश्चन समझिए, इसका आंसर हम दो लाइन में बता देते हैं। देखिए कह रहा है कि शैक्षिक अवसर यानी शिक्षा में आप कैसे समानता लाइएगा कि सभी बच्चों का आप एक समान कैसे नज़र से देखिए। जैसे मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है या कोई मान लीजिए वंचित बच्चा है तो उसके लिए आप कैसे कीजिएगा समझे। फिर कह रहा है कि लड़कियों को किस प्रकार शिक्षा का समान होता है। देखिए अभी देखें लड़की लोग के लिए मैट्रिक में पास करी तो 10,000 उसी लालच में लड़की लोग ही पढ़ रहे हैं यानी बराबर उसको भी शिक्षा मिलना चाहिए समझे। मैट्रिक में 10,000 इंटर में 25,000 मिला है फिर ग्रेजुएशन में 50,000 यानी बहुत सुविधा है उन लोग को, बहुत छात्रवृत्ति भी मिलता है, बहुत जगह पैसा नहीं लगता है यानी उन लोग को मतलब शिक्षा में कैसे उनको बराबर ले आना है। तो वही क्वेश्चन है, इसको आराम से आप लिख सकते हैं, इसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन अथवा में दिए हैं, देखिए ये भी बहुत VVI क्वेश्चन। देखिए आपका ये समान स्कूल प्रणाली इंपॉर्टेंट है समझे, इसका ये वीडियो आपको मिल जाएगा कि समान विद्यालय व्यवस्था क्या है या बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कैसे बदलाव ला सकता है यानी व्हाट इज कॉमन स्कूल सिस्टम हाउ इज विल चेंज विद द एजुकेशन सिस्टम इज बिहार। देखिए बिहार में कॉमन समान विद्यालय व्यवस्था हो जाएगा तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कह देगा सिर्फ यहाँ पर सरकार सिर्फ बोल देगा कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है यानी जॉब कर रहे हैं समझे वो सब अपना बेटा को सरकारी स्कूल में पढ़ाए समझे, उसी दिन से सरकारी स्कूल चेंज हो जाएगा समझे। और सरकारी स्कूल में जहिया से मतलब DMSP और जितना भी जॉब करते हैं उनका बेटा पढ़ने लगे तो देखिएगा उसी दिन सरकारी स्कूल का सब चीज़ बदल जाएगा, प्राइवेट स्कूल में कोई जाना नहीं चाहेगा। आप दिल्ली का नाम जानते होंगे, दिल्ली के बारे में तो वहाँ पर केजरीवाल आते हैं क्या किया कि सरकारी स्कूल में सब सुविधा देने लगे समझे, स्विमिंग पूल तक सुविधा देने, मतलब इतना सुविधा दिए कि जितना प्राइवेट स्कूल में नहीं होता है और सब पढ़ रहा है वहाँ पर, SP DM सब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है समझे। तो ये चीज़ है, तो समान विद्यालय व्यवस्था क्या है या बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कैसे बदलाव ला सकता है। और एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन दे दिए हैं कि विद्यालय व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के विषमताओं को दूर करने हैं तो कुछ सुझाव दे, यानी विद्यालय में जो विषमता है यानी असमानता है उसको दोनों में कौन कौन सुझाव दे सकते हैं समझे। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कोर्स टू में इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी में से आपका एग्जाम में रहेगा समझे। तो इसी को ध्यान से देख लेना है, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन डाल दिए हैं वहाँ से भी देख लीजिए और जितना आपका बच गया उसको हम बहुत जल्दी करवा देंगे। थैंक यू।